हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है प्रियांक और मैं स्वागत करता हूं आपका टेक प्लेस चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस व्हिच आर अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। जी हां गाइस, आज हम बात करने वाले ऑफलाइन गेम्स की, ताकि किसी दिन आपके घर में या आपके फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल ना हो तो भी आप एक गेमिंग एक्सपीरियंस को आराम से इंजॉय कर पाओ। गाइस, जितने भी मैंने गेम इस लिस्ट में इंक्लूड करे हैं, इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वो ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर के लिंक्स होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो गाइस जल्दी से जाके लाइक करो, देरी किस बात की। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि यार मैं रोजाना इतनी ही अच्छी वीडियो और गेमिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूं। तो यार इसी के साथ देखते हैं कि हमारी आज की टॉप 10 सीरीज क्या होने वाली है। सो गाइस लेट्स गो। तो इसी के साथ जो हमारा पहला गेम निकल के आता है इस टॉप सीरीज लिस्ट के अंदर है, वो है डेड ट्रिगर। जी हां, डेड ट्रिगर भी मैंने गाइस इसमें इंक्लूड कर रखा है। इसकी रीडिंग है एज पर प्ले स्टोर 4.5, साथ में इसका 185 MB डाउनलोड स्पेस होने वाला है आपके फोन में और साथ में इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। गाइस, गेम का गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यार ये एक ज़ॉम्बीज बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। मतलब कि एक सिटी है आपके इसके अंदर इन्फेक्टेड मिलने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारे ज़ॉम्बीज को हंट करते जाना है एक के बाद एक, एक के बाद एक। गाइस, ये गेम आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है अगर आपको कोई हॉरर या ज़ॉम्बी बेस्ड कॉन्सेप्ट के गेम्स पसंद आते हैं। आजकल वैसे भी जो प्रोडक्शन है वो ज़ॉम्बीज गेम ज़्यादा बना रही है, क्योंकि यार इससे इन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा गेमिंग को बहुत पसंद करें इसके अंदर ज़ॉम्बीज बेस्ड कॉन्सेप्ट हो। तो यार अगर आपको ये गेम पसंद आता है जल्दी इसको डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार इसी के साथ जो हमारा दूसरा गेम निकल के आता है गाइस, वो है हमारा शैडो ऑफ डेथ। ये इसका शैडो ऑफ डेथ भी बहुत ही आपका जो अमेजिंग गेम रह चुका है, इसकी जो एज पर प्ले स्टोर 4.6 रेटिंग होने वाली है आपकी, 133 MB डाउनलोड स्पेस होने वाला है, साथ में इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स होने वाले हैं। और जो इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, वो है कि ये एडिटर चॉइस में आता है। ये इसका प्ले स्टोर ने इसको एडिटर चॉइस लिस्ट में इंक्लूड कर रखा है। तो यार ये गेम का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बढ़िया और सुपर देखने को मिलने वाला है। गाइस, ये जो भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक ट्रेलर है, इसलिए आपको अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दिखा होगा, बट तब आप ये गेम को खेलोगे बहुत ही आपका शानदार सा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको ये गेम पसंद आया तो जल्दी इसको डाउनलोड कर लो। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने तीसरे गेम पे। तो यार तीसरा गेम है हमारा डार्क सॉर्ड 2। यस गाइस, डार्क सॉर्ड 2 भी हमने इंक्लूड करा है इस लिस्ट में। इसकी रीडिंग है एज प्लस प्ले स्टोर 4.2, 83 MB का डाउनलोड स्पेस होने वाला है, जो यार बहुत ही बढ़िया है, ताकि आप आराम से इसको डाउनलोड कर लो और साथ में इसके 5 लाख प्लस डाउनलोड्स होने वाले हैं। तो यार अगर आपको एक गेम बहुत ही बढ़िया सा लग रहा हो तो जल्दी इसको डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे गेम पे। और जो तीसरा गेम हमारा निकल के आ रहा है गाइस, वो है हमारा डेड ट्रिगर 2। यस गाइस, डेड ट्रिगर 2, अभी हम बात कर चुके हैं डेड ट्रिगर 1 की और अब बात करें डेड ट्रिगर 2 की। सो गाइस, की जो रेटिंग है एज पर प्ले स्टोर वो होने वाली आपकी 4.5, 526 MB का इसका डाउनलोड स्पेस होने वाला है आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर, साथ में इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स होने वाले हैं। और जो इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात है गाइस, वो है कि एडिटर चॉइस लिस्ट के अंदर ये गेम इंक्लूडेड है। तो इस गेम को जल्दी से डाउनलोड करो, एंजॉय करो एंड डू अ कमेंट कि यार ये गेम मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे गेम पे। और इसी के साथ जो हमारा चौथा गेम निकल के आ रहा है गाइस, वो है हमारा ग्रिम वेलर। इसकी रेटिंग है एज पर प्ले स्टोर 4.5, 620 MB का डाउनलोड स्पेस होने वाला है आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर और साथ में इसके 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। सो गाइस, ये गेम बहुत ही आपका शानदार होने वाला है, इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि गाइस को ग्राफिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा ही HD दे रखे हैं इन्हें और बहुत ही आपको मजा आ जाएगा। तो यार गेम को जल्दी से डाउनलोड करो एंड डू अ कमेंट गाइस, मैं बार बार कमेंट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता था आप कमेंट करते हो। तो इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले गेम पे, जो है शूटिंग गेम्स डेड टारगेट। यार एज पर प्ले स्टोर की रीडिंग होने वाली आपकी 4.5, 105 MB का डाउनलोड स्पेस होने वाला है आपकी डिवाइस के अंदर और साथ में इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। और जो इसकी सबसे बढ़िया बात है गाइस, वो है कि एडिटर चॉइस की लिस्ट के अंदर है गूगल प्ले स्टोर की लिस्ट के अंदर। तो गाइस, अगर आपको ये गेम पता है जल्द इसको डाउनलोड करो, ट्रेलर पे मत जाना ज़्यादा, क्योंकि ट्रेलर इसका कुछ मेरे को ऑसम सा नहीं लगा, बट ये एडिटर लिस्ट की चॉइस में है तो गेम बहुत ही आपका सुपर होने वाला है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम पे। तो और नेक्स्ट गेम है हमारा नो गन्स। यस गाइस, नो गन्स भी बहुत ही शानदार सा गेम रह चुका है, इसके अंदर आपको गन नहीं मिलेंगी, लेकिन ये एक फाइटिंग गेम है।
थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा आपको, बट ये गेम बहुत ही आपका बढ़िया होने वाला है, क्योंकि अगर इसके अंदर गन्स नहीं है, इसके अंदर आपको ग्रेनेड्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको मॉली मिलेंगे, ग्रेनेड्स मिलेंगे, स्मोक ग्रेनेड मिलेंगे, फ्रेगाइल मिलेगा, यार यही सब आपको यूज़ करते हुए गेम को जीतना है। कॉम्पिटिटिव गेम सब बन जाता था, आप इस गेम को खेलना शुरू करोगे बहुत ही आपको एक अच्छा सा शानदार सा एक्सपीरियंस में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस के आसपास प्ले स्टोर 104 MB डाउनलोड स्पेस होने वाली है और उसके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स होने वाले हैं। अब आप कहोगे कि यार आपने तो उसकी रेटिंग ही नहीं बताई, बट यार रेटिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये गेम अभी अंडर डेवलपमेंट है यार, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होने अभी बाकी हैं, जिसके वजह से इसका जो और गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो और शानदार हो जाएगा, क्योंकि यार इसके जो डेवलपर्स हैं वो इस गेम को और बेस्ट करने में अपने लगे रहेंगे। तो इस गेम का एक्सपीरियंस आप अभी से उठाना शुरू कर दो, क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है फ्यूचर टाइम में। तो गाइस बढ़ते हैं हम अगले गेम पे। इस गेम को अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा अगला गेम निकल के आ रहा है गाइस, वो है हमारा वैम्पायर्स फॉल का। ये थोड़ा सा आपका हॉरर सा गेम होने वाला है, इसकी जो रीडिंग है आपको वो मिल जाएगी आपको 4.6, 115 MB का डाउनलोड स्पेस होने वाला और साथ में इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। गाइस गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही आपका शानदार सा होने वाला है, बट एक्चुअली 115 MB का है तो यार ये गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से लो होंगे, जैसा कि आप ट्रेलर में भी देख सकते हो, थोड़ा सा ये लो स्टैंडर्ड वाला गेम है। तो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो गाइस जो हमारा अगला गेम निकल के आ रहा है गाइस, वो है हमारा ह्यूमन फॉल फ्लैट, जिसकी रीडिंग है आपकी 4.2, 467 MB का डाउनलोड स्पेस होने वाला है आप सबके लिए और साथ में इसकी 1 लाख प्लस व्यूज होने वाले हैं, मतलब कि आपके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स होने वाले हैं। तो यार बस पिछली वीडियो में मैंने इस गेम की बात करी थी, तो यार मैं इस गेम के बारे में आपको क्या ही खास बताऊँ, ये गेम लेकिन बहुत ही शानदार होने वाला है, जो इसके कैरेक्टर्स है वो बड़े फनी लगते हैं मेरे को। तो यार आप जरूर बताना कि आपको इसके कैरेक्टर बड़े मस्त लगते हैं या नहीं, और मेरे को तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ही मस्त से लगते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना कि आपको उसके कैसे लगते हैं कैरेक्टर्स, और बाकी गेम प्ले इसका आपको कैसे लगता है ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करा था, बहुत ही शानदार ये गेम मेरे को लगा था। तो बस बढ़ते हैं अपने अगले गेम पे। तो गाइस इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट गेम की तरफ। तो अलावा जो लास्ट गेम होने वाला है गाइस, वो है हमारा शैडो फाइट 2, जिसकी रेटिंग आपके होने वाली है 4.6, साथ में आपको ये 143 MB में पड़ जाएगा, मतलब 143 MB डाउनलोड स्पेस लेगा और साथ में इसके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, जो अभी तक सबसे ज़्यादा मिलियन डाउनलोड्स हैं आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे। जितने भी मैंने आपको गेम दिखाए हैं, सबसे सुपर गेम ये आपको होने वाला है, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा खेला, मतलब भाई 1 से 2 साल गेम मैंने खेला, मैंने खेले सारे गेम में जितने मैंने डिस्प्ले स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं, बट ये गेम मैंने 1 से 2 साल खेला है। और अगर सीक्रेट की बात बताऊँ तो मैंने मोडेड वाला खेला है, जो मैंने खुद ही बनाया था। यार अगर आपने अभी तक वो मोडेड वाला गेम डाउनलोड नहीं करा, यार अगर आपको मोडेड वाला गेम नहीं मिला और अगर कुछ चाहिए, तो यार ऊपर एक आई सेक्शन में एक लाइन सी आपकी पॉपअप हुई होगी, उस पर क्लिक करो, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इस गेम को डाउनलोड करने का। तो ये गेम बहुत ही आपका शानदार सा हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका मोडेड वर्जन। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो यार ओरिजिनल वाले का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है, वहाँ से भी क्लिक करके ले सकते हो। तो इसके साथ आज की होती है हमारी टॉप लिस्ट जो थी खत्म, टॉप सीरीज टॉप 10 ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस विच आर अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर की समाप्ति होती है हमारी इसी के साथ। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो या कोई सा भी अगर आपको लगता हो गेम मैंने इंक्लूड नहीं करा है और आप करवाना चाहते थे, तो यार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में जरूर से जरूर उसको करूंगा एड। और इसके साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म, और अगर आपने अभी तक मेरे को किसी भी सोशल हैंडल पे फॉलो नहीं करा है, तो यार आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे तीनों की तीनों प्रोफाइल्स मिल रही होंगी, इंस्टा फेसबुक एंड यूट्यूब के, जो जल्दी जाके मेरे को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो यार बस मिलते हैं हम किसी और टाइम किसी और दिन पे, तो बस तब तक के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, #keepsmiling। Yeah.